तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी ये चांद पे और इतने ऊपर आ गए हैं आसमान में। बाप रे बारिश भी आ रही है। ओ, 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 चलो नीचे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है मेरा बर्थडे, तो फरा ने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, यानी कि कोई रिसॉर्ट उन्होंने देखा है, मुझे उसका नाम उन्होंने अभी तक बताया नहीं है और इसको क्या हो रहा है पता नहीं। हम दोनों हो गए रेडी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मैंने आज कौन सी ड्रेसिंग की। आज मैंने फॉर्मल नहीं पहना है, हमेशा मैं बर्थडे हो या फरा का या ईजान का या एनिवर्सरी हो उसमें फॉर्मल ही पहनता था, लेकिन मैंने सोचा अभी फॉर्मल नहीं पहनते, थोड़ा हम अलग पहनते, तो जीन्स और शर्ट लिया है मैंने। तो दिखाऊंगा फरा आने के बाद, वो बता देंगे। ईजान को भी कल हमने नए कपड़े लिए थे, लेकिन एक्चुअली ईजान को वो छोटे हो गए, तो हमने फिर ये घर पे थे जो हमने ये ज़्यादा ईजान को नहीं पहनाए थे, मतलब नहीं है तो ये हमने उसको पहना दिए, वरना कल हम लिए थे, अभी वो वापस रिटर्न करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उन्होंने बोला भी था अगर छोटे होंगे ना तो लेके आना, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो फरा अभी हो रहा है रेडी। ईजान कैप देके, कैप हाँ, ईजान का पूरा ध्यान ना बेडरूम के दरवाजे पे, क्योंकि फरा अभी अंदर गए तो वही देख रहा है कि मैं कैसे जाऊँ। आ जाओ इधर, बॉल है ईजान, आपका बॉल इधर है, ईजान का बॉल यहाँ पे है, आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, अच्छा बैट लेके आओ, बैट लेके आओ, हेलो मारो इसको ईजान, मारो इसको, अरे वाह। और वो रिसॉर्ट यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, फरा ऐसे बता रहे थे, क्योंकि कल वो कैब भी चेक कर रहे थे, क्योंकि धूप रहती है ना। अभी देख के टाइम कितना हुआ है, 2:30 बज रहे हैं और लेट हो गया है, क्योंकि लेट करके उठे और नमाज भी थी ना, इसीलिए जुम्मा है आज। आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। देखिए धूप, कभी कभी धूप आ रही है, कभी कभी ठंडा क्लाइमेट हो रहा है, जब हम निकले अल्लाह करके पूरी धूप चली जाए, क्योंकि हम बाइक पे ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए। हाँ चलो खेलो खेलो खेलो, मारो उसको ईजान, मारो मारो मारो। फरा ने अगर कोई रिसॉर्ट देखा होगा तो वो अच्छा ही होगा। दोनों भी हो गए रेडी, ईजान को हमने क्या पहनाया, बट वो बहुत का भी गॉगल लेती ना है ना उसका। हाँ। तो ये देखिए फरा भी आज कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, कल ही जाके ये नए शूज भी लेके आए ना हमने। अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं आप, निकलते हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं। इसको ऐसे हाथ पकड़ना पड़ रहा है। ये है समीर का आज का लुक, और मैंने जो बर्थडे गिफ्ट दी हूँ वो ये फरा का है, जींस शर्ट। बहुत दिन के बाद ऐसे पहनना, तो फॉर्मली पहनना था पता है ना। अच्छे लग रहे हो। किसका फोन आ रहा है? हाँ फोन आ रहा है, देखता हूँ देखता हूँ। बर्थडे है ना, सभी के फोन चालू है। ये मेरे हीरो, देखो दोनों हाथ से पकड़ना पड़ रहा है। सुनो ये देखिए, ईजान थोड़ा सुंद हो गया है, मतलब उसको नींद आ रही है, शायद नींद आ रही है। और देखो मेरा स्पेक्स वगैरह खींच रहा है, और मुझे मैग्नेट लेना है, क्योंकि ये जो हिजाब है ना, हिजाब के लिए बहुत ज़रूरी है वो मैग्नेट, क्योंकि मैंने अभी सेफ्टी पिन लगाई है और वो दिख के आ रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नो अदर ऑप्शन, चलता है अभी क्या करूँ नहीं है। तो ये देखो आप भी देख सकते हो, थोड़ी सी दिख रही है। तो ये आ गए हैं समीर, और अभी हम चल पड़ेंगे। पहले हमने सोचे थे कि कैब से जाए, लेकिन ना कैब वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और इसके लिए हमने बोले धूप तो धूप, हम गाड़ी पर ही जाएंगे। पैसे की बचत ऐसी की जाती है, थोड़ी हमको तकलीफ हो वो सहन कर सकते हैं, लेकिन थोड़े पैसे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते। लेकर आई तो चलो बेटा, जल्दी करो बेटा बर्थडे बॉय, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत स्टाइलिश लग रहे हो, अभी चलेंगे। कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं, मेरा बैग एंड ऑल। चलो ठीक है, चलो। तो हम पहुंच गए हैं हमारे लोकेशन पे, फरा के बैग भी लेना, मेरे को लेना पड़ता है। यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, और ये रिसॉर्ट के ठीक सामने ही नीचे देखिए कितना अच्छा डैम है, बोटिंग भी कर सकते हैं ऐसे लग रहा है मुझे वहाँ पे जाके, लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं आए। ये देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है वो रिसॉर्ट जहाँ पे अभी हम आए हैं, फरा कहाँ है, फरा अंदर जाके रुक गए हैं। और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह, टिकट वगैरह कितना है मैं आपको बाहर ही दिखा देता हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं बहुत सारे। ये देखिए यहाँ पे सब है, आप लोग देख ले लो। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या है ये सब भी यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए जाते हैं अंदर हम।
मैडम तो हमारे पहले ही अंदर जा चुके हैं। ये देखे अंकल कैसे बैठे हैं यहाँ पे। ये देखे फरा और ईजान ने अभी इनके साथ में फोटो लिया है, लेकिन ईजान ना ये अंकल के साथ में बैठना बहुत डर रहा है। मैं पहले आई ना, मेरे को आवाज लगी है। हां ना, वैसे बनाया दोनों और वैसे बैठे भी उस टाइम में। कपड़े एक्चुअली रियल दिए ले रहा। हां, अच्छे लग रहे हैं ना। चलो ईजान। ये देखे हम आए और बारिश भी स्टार्ट हो गई और मैं फरा को इतना ज़्यादा चिढ़ रहा था कि फरा हमने बहुत लेट किए, लेकिन उसका टाइमिंग ही देखिए कितने है, 4 बजे से स्टार्ट है, बराबर टाइम पे हम 8 PM किए, देखो 4 से 8 बजे तक है। चलो अच्छा है फरा, क्लाइमेट कितना अच्छा हो गया, सामने देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ईजान चलो अंदर जाएंगे। ईजान तो पूरा यहाँ तक आने तक घर से सो गया था, अभी जस्ट उठा है, पता है क्या हो, बहुत अच्छी ईजान ने नींद ले लिया, अभी वो भी यहाँ पे मस्त इंजॉय करेगा, खेलेगा। अरे वाह, ईजान की नींद हो गई। और ये देखे माशाल्लाह यहाँ का व्यू देखे रिसोर्ट का कितना अच्छा लग रहा है, उसमें बारिश भी, मतलब पीसफुल वाली फीलिंग आई है, उसमें बारिश भी स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखे मस्त लग रहा है। और यहाँ पे ये एक ही नहीं, बहुत सारे रिसोर्ट भी है, बट अभी तो फिलहाल हमने ये अच्छा हमें लगा था तो हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे ना हम पूरा कवर करेंगे, मतलब यहाँ के जितने भी रिसोर्ट हैं हम ज़रूर आएंगे फरा, क्योंकि हम जब रास्ते में आ रहे थे ना बहुत सारे रिसोर्ट हमें यहाँ पे दिखे। अच्छा ये है स्नेहा रिसोर्ट, तो टिकट का वगैरह तो आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या एक्टिविटीज़ है सब। ये देखिए यहाँ पे गायिका ईजान, ईजान को छोड़ेंगे क्या सामने, बहुत अच्छा व्यू है, दिखाया मैंने, दिखाया सामने का व्यू। अभी जो हमारा पैकेज है वो कन्फर्म हो रहा है, तो क्या हुआ फरा का दिल है कि एक दिन हम स्टे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा और बारिश देखे रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं यहाँ के, अभी मज़ा तो आ रहा है स्टे करने के जैसा तो है, क्योंकि सामने पहाड़ी वगैरह है ना। अरे अरे फरा बारिश में जाएगा वो, ये देखिए ये देखिए ये देखे, इसको नीचे छोड़े के ये चलना स्टार्ट हो गया। चलिए यहाँ पर भी ये सिस्टम है वैन का, जैसे वेटन जॉय में था ना वैसे, तो ये लग गया है देखिए। तो चलिए अभी बारिश रुक गया है और ऊपर ना थोड़ी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई है, तो हम सोचे यहाँ पे टाइम वेस्ट करके क्या करें, बारिश आ रही थी करके हम रुके हुए थे, अभी हम चले जाएंगे ऊपर, जाएंगे मम्मा। ईजान भी फ्रेश हो गया है, वरना रुकी ना बारिश, मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैंने मेकअप किया है और मैं बाहर जाने के बाद ऐसे डर रहा हूँ। और जो मेकअप किए ने है वो नहीं डर रहे। चलिए चलते हैं अंदर। एक तो हमने देखा था पहले ही, क्या फरा, चलिए ईजान देखते हैं। ये देखो फरा, वो चांद दिख रहा है ना, उस पर अगर हम बैठते ना तो स्लो 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 ऊपर जाता है, पता है क्या, बहुत अच्छा है वो। और ये ऊपर स्टे रूम है, अगर आपको रुकना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे रुक भी सकते हो, और रुकने के जैसा है क्योंकि बहुत अच्छा है। गैलरी देखिए कितनी अच्छी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। और सामने डैम का व्यू है। हेलो ईजान, वापरे यहाँ का तो जो क्लाइमेट है ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रही है। और ये है लवर पैराडाइज, बहुत ही अच्छी प्लेस है। पहली बार आई हूँ मैं समीर यहाँ पे, नया है क्या ये? अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं लवर पैराडाइज एक्टिविटी में। क्या एक्टिविटी है ये? यहाँ पे फोटो शूट्स हो सकते। ओ समीर, आपके स्वागत में आ गया वो पानी। मस्त है ना, एक नंबर। बारिश फिर से आ रही है यार, ये देखो ना फेसेस कितने बड़े बड़े है। एक कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग? समीर इधर अंदर जा रहे, मेरे को डर ही लग रहा। जा सकते हैं अंदर? हाँ क्या बाहर निकलेंगे वहां से? क्या है वो? गुफा है, गुफा। वाह, इधर निकलेगा ये? पता नहीं।
अरे अपनी बैग उधर ही है। हाँ अपन वापस उधर ही जाएंगे, डोंट वरी। ना ना अरे मस्त है ना पर। अरे नहीं अरे हाँ ये साइड आ गया अपन। कौन सा साइड है? अच्छा इसके बैक साइड आ गए अपन। अच्छा है ना, भारी है। हाँ यहाँ पे भी देखो पूरा है ये। हाँ चलो पहले अपन जल्दी से अपनी बैग लाते हैं, फिर वापस चलो, वापस चलो। नहीं फिर यहीं से लेंगे ना बैग, क्यों इतने लॉन्ग जाने का। यहीं से चलो, ये देखो ना हार्ट कितने अच्छे हैं। समय आएंगे इधर भी आएंगे पूरा। हमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और मुझे पता है अगर आप लोग भी आएंगे ना तो आपको हमसे ज्यादा मजा आएगा, तो जरूर यहाँ पे आना आप लोग भी। और समीर जब बात कर रहे थे ना वो ये चांद है। ठीक है पहले पूरा लवर पैराडाइज घूम लेते हैं समीर, देन बैग। चलो बैठो अपन। तो ये है अभी झूला, इसमें हम लोग तीनों बैठेंगे और मैं पैर से झूला लूंगी। हाँ चलिए बैठो आप दोनों, पहले उधर बैठू मैं, इधर बैठो। तो ये झूले पे हम लोग तीनों बैठ गए हैं और अभी हम लोग तीनों झूल रहे हैं। पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं ना इसको। हाँ। मैं पीछे पकड़ा, पीछे पकड़ो, पीछे आपको पकड़ू। नहीं नहीं पीछे रखो ना एक हाथ। अच्छा। हाँ सीधा सीधा ये। इधन भी देखिए कितने अच्छे से बैठा। इधन को ले लो, इधन को। मजा आ रहा। अभी तुम दोनों बैठो फिर मैं लेता हूँ। अभी उधर रखे क्या फोन। पकड़ो इधन को। हाँ पकड़ी भी है मैंने, आप टेंशन मत लो उसमें। मजा आ रही है, बहुत मजा आ रहा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मेरे को भी ये। ये देखिए मैं नीचे उतर गया अभी, बट सच में गाइस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लग रहा है पता है क्या, उसमें बारिश भी हो रही है पता है क्या। ये देखिए हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, जोर भी नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये देखिए ये वाला चांद है जिसपे अभी हम बैठेंगे और ये हमें ऊपर लेके जाएगा स्लोली स्लोली। चलिए ये देखिए मैं अभी उतर गया नीचे। उसको कैप पीना दो ना फरा, बारिश तो है ही है, बारिश तो कम नहीं हो रही है। ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उसकी कैप लेके आऊं मैं? हाँ मैं बैग लाने गया। ये देखिए ऊपर दोनों कहाँ चढ़ के गए और ईजान मेरे को वहां से आवाज लगा रहा है। ईजान आया, आया मैं भी। चलिए कहाँ से चले गए? अच्छा यहाँ से है, चलिए हम भी जाते हैं। हाँ हाँ जाएंगे ना अभी, अभी अल्लाह करके एक एक्टिविटी हो गई। तो ये है यहाँ का व्यू, सामने है वो डैम और ये कॉटेजेस बने हैं जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। एंड दिस यहाँ पे भी गुफा है, यहाँ से जाके फिर हम उधर निकलेंगे आई थिंक। फिर ये वाली एक्टिविटीज़ भी करनी है और यहाँ पे ऐसे टेंट्स बने हैं, इसमें भी हम उठेंगे, हम स्टे कर सकते हैं। क्यों इधर से हम अंदर जाएंगे? यहीं से जाते हैं फिर, यहीं से हम ऐसे चले जाएंगे। अरे वहाँ पे फोटो लेना है आपके मेरे को। बस यहाँ पे नहीं नौको वहाँ पे। तो अभी हम ये वाली गुफा में जा रहे हैं, पहले तो वो वाली गए थे, वो तो हमें पता भी नहीं था, ऐसे ही हम अंदर अंदर से आ गए। क्यों ऊपर नहीं चढ़ने गए अपने को? अंदर देख के तो आएंगे ना। फरा यहाँ पे फोटो लेते हो? मैं बोलने से पहले ना ये लड़की ऊपर चले जाती है। तो चलिए गुफा के अंदर जाते हैं। तो ये जा रहे हैं, अंधेरा कायम है। ईजान
अंधेरा कायम है। बारिश भी आ रही है इसीलिए यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ से भी देखिए बारिश गिर ही रही है। ये ईजान को बैठना है उसमें। हाँ ईजान तो सोसाइटी में भी नहीं जाना, उसको ये बॉल में खेलना है। कब से वो हाथ से बता रहा है। समीर वहाँ पे गिरेगा, बीच में छोड़ो ना आप, कॉर्नर में कैसे छोड़ रहे हो उसको। देख क्या ईजान ने, देखिए वहाँ का एक बॉल हाथ में लेकर आ गया। और हमने रास्ते में वड़ा पाव लिए थे क्योंकि ईजान ने कुछ खाया नहीं था, सो गया था वो पूरा रास्ते पर। तो और अभी भूख भी लगी। अगर यहाँ पर अभी कैंटीन तो पता नहीं है, पर ये सामने ही दिख रही है। पर हाइटी वगैरह उन्होंने बोला था अभी प्रोवाइड नहीं। क्या हाइटी? हाँ क्या देखेंगे ना। और ये देखिए ये पूरे टेंट है, इसका भी हम आगे वीडियो ले लेंगे। और इसका पूरा डिटेल्स आपको रील्स में भी मिलेगा, हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाके देखना आप। और अभी तक यहाँ पे कुछ अभी ओपन हुआ नहीं है। कितने बजे तक ओपन हो जाएगा? अपन जाएंगे तो ओपन हो जाएगा। अच्छा, पर वो साइकिल, पर वो साइकिल देखो ना। हाँ तो ये अभी हम जा रहे हैं इस साइड। इस साइड क्या है समीर? इस साइड ना। हाँ और यहाँ पे देखो ना, लाजड़ू लवंग तुलसी। कौन आया? या अंदर चलो, अंदर चलो। अंदर क्यों? फिर कहाँ से जाने का? किधर है भैया हॉर्स राइडिंग? इधर। कैमल पे बैठेंगे ईजान? पहले घोड़े पे बैठेंगे, उसके बाद स्पीड थोड़ा कम होना भी। थम थम चल थम। हाँ लाए ला है ना। पर देखिए क्या याद कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं ईजान के डायपर लाए हैं नहीं आपने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाया ना यार, क्योंकि ईजान का जो भी है ना वो पैकिंग ईजान की बैग में ही करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से सब ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे खाट है, ये खाट भी ना बहुत अच्छे लगते हैं, इस पर नींद भी बहुत अच्छी आती है, कितने हल्के भी रहते हैं ये। अभी थोड़े देर रुके थे घोड़े को लेके क्योंकि बारिश वापस से बहुत जोर में है। हाँ ना, वो एक ही बंदा दोनों हैंडल कर रहा है, कैमल भी हॉर्स भी। देखते हैं इनके बाद अपना ही है फरा। फिर भी शुक्र करो कि ज़्यादा पब्लिक नहीं है क्या। ये देख, ये देखिए कैसे सोया है। अभी वापस से धूप गिर गई है, बारिश थोड़ा कम हो गया है, वरना धूप के बारिश की वजह से ना हर एक जगह हमें वेट करना पड़ रहा है। सही है, आज टाइम ही ऐसा है, हम आए बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छा ही है ना फरा, बारिश भी अच्छा लग रहा है उसमें, क्योंकि ज़्यादा एकदम हेवी नहीं आ रही है, ज़ोर से बारिश नहीं आ रही है, स्लो स्लो आ रही है, तो अच्छा भी लग रहा है, भीगने भी अच्छा लग रहा है उसमें। यहाँ पे घूमने भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये दोनों बाप बेटे बैठ गए घोड़े पे। देखो ईजान का टी शर्ट नीचे करो एक। सो अभी समीर अकेले गए, इसको भी बिठाए थे लेकिन उनका बैलेंस थोड़ा डगमगा रहा था, इसके लिए उन्होंने बोले कि फरा आप ले लो ईजान को, मैं अकेला ही एक राइड करके आता हूँ। और ये देखो मेरे हाथ में से छूटने की कोशिश कर रहा है, बैठ बैठने ही नहीं मिला। आप बड़े हो जाओगे तो बैठना, ठीक है? तो अभी समीर गए हैं वहाँ पे, कहाँ तक ये पता नहीं, अभी थोड़ी होगी, मैं तो नहीं बैठने वाली बाबा हॉर्स के ऊपर। मुझे तो बहुत डर लगता है। और मैं कब बैठी थी अभी? मैं जब कॉलेज में थी ना तब आई थिंक, हाँ तब बैठी थी मैं। ये आ गए समीर, हम लोग बैठ रहे हैं ऊंट पे, कैमल राइड। घोड़े पे ये लोग दोनों बैठे नहीं है, पर ईजान रो रहा था, पकड़ने जगह ही नहीं होती, हमको लेके मैं बैठा होता। अरे इतना क्या डर रहे तुम लोग, चलो आराम से। ईजान पे ध्यान दो प्लीज। ईजान चुप लो, मैं रील्स भी लेता सामने। परा देखे कितने पीछे, परा दिख भी नहीं रहे। ईजान तो बहुत अच्छे से बैठा है। ईजान को पकड़ने के लिए मैंने आपको बिठाया आगे।
और बहुत अच्छे से बैठा है वो। आप भी इसके जैसा नहीं नहीं उल्टा उसको मजा आ रहा है उसको, पता है क्या उल्टा बहुत। ये देखिए इजान बहुत मजा आया इस पे बैठ के टॉयलेट किया उसने अभी, बहुत मजा आया। अपन पीछे दिख ही नहीं रहे थे आप बैठने मांगता था पीछे। नहीं नहीं आप अगर सामने बैठे होते ना तो इजान को नहीं संभाले होते इसीलिए, और इजान मेरे पास ही बैठता बोल रहा था। चलो अभी फरा ये देखिए क्लाइमेट कितने अच्छे से पूरा चेंज हो गया, अभी बारिश चला गया है, अभी दूसरा एक्टिविटी पे चलते हैं। चलो जल्दी तो अभी कितनी अच्छी हवा आ रही है और कितना अच्छा लग रहा है सच में। अभी जस्ट हम लोग की कैमल राइड हो गई है और ये भैया है जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, हमारे वीडियोस भी ले रहे हैं, हमारे फोटोज भी ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक वीडियो ले लो ना हम यहाँ से ऐसे। चलो बाय बाय। ए हमको भी ए अपन कब बैठेंगे इसमें? अच्छा अभी ट्रेन इतनी अच्छी है ना, अभी ऐसा लग रहा है ट्रेन में कब बैठूं। सब कुछ इतना अच्छा है, आप लोग ज़रूर ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, रिसॉर्ट है, स्नेह रिसॉर्ट, पैसा वसूल है, जितना जाएगा ना उससे डबल आपको मज़ा आएगा। इसके लिए ज़रूर एक बार अपने फैमिली के साथ में विजिट करना, फैमिली नहीं भी तो सिर्फ कपल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मस्त है। और ये है वो टेंट्स, देखिए कितने अच्छे है, एक छोटी फैमिली के लिए बस है, छोटे छोटे से टेंट्स है और लग्जरियस भी है वहाँ पे। तो ये हम लोग बैठ गए ट्रेन में और मैंने बोली ऐसे ओपन वाली ट्रेन लेके तभी अपना वीडियो अच्छा आएगा, इसके लिए मैं भागते आई वहाँ से। चलिए हमारी ट्रेन अभी स्टार्ट हो गई। इजान बाय। तो ये बैठ गए हैं हम टॉय ट्रेन में, ये तीनों ईशान समीर इधर 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 फुल एंजॉय कर रहा है। चलो बच्चे लोग स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। तो अभी हमने कर लिए है सफारी राइड, जो कि ट्रेन की राइड का नाम उन लोग ने रखा है सफारी राइड, वो हो गई है। अभी कुछ खाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्या दोनों को? मुझे तो बहुत लगी है, मैंने क्योंकि एक वड़ा पाव खाई थी ना तो फिर मुझे इतनी भूख नहीं लगी। सो अभी हम आए हैं ये कैंटीन में और यहाँ पे हाई टी है और मसाला पाव है, तो चलिए ये खाते हैं। टिकट में ही इंक्लूडेड है ये। यहाँ पे ये देखिए ये सब ना टिकट में इंक्लूड होता है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कोई पे करना नहीं। मसाला पाव है, देखिए हम यहाँ पे बैठे वापस से, थोड़ी थोड़ी आई थिंक बारिश स्टार्ट हो गई है। मज़ा आ रहा है फिर भी, बारिश हम आ रही है जा रही है। चलो खाते हैं, भूख लगी है। चलो तो अभी हाई टी हो गई, उसके साथ में हमको मिला था मसाला पाव और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे केक कटिंग वगैरह भी होती है। और डाइनिंग जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप कॉर्नर के वहाँ पे सीट मतलब टेबल पे बैठते हैं ना तो पूरा डैम व्यू है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो मसाला पाव था पाव भाजी का मसाला पाव में भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा यम्मी था वो भी। और कॉफ़ी एंड टी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पानी का भी टेंशन नहीं है, पानी के भी ऐसे जार रखे हैं ठंडे पानी के, तो वो भी अच्छा है। और ये अनलिमिटेड, हाँ भी खा सकते, खाना जो भी है सब कुछ अनलिमिटेड है। तो ये केक है, किसी का बर्थडे था आज तो उन्होंने काटा था, हमको दे दिया थोड़ा। मेरा भी बर्थडे, अभी हम इजान को शूज़ पहना रहे हैं ताकि हम उसको बोले कि थोड़ा इजान भी चले। हाँ ना, कब से हमारे गोद में ही घूम रहा है तो अभी इसको हम छोड़ देंगे चलने के लिए। ये देखिए वो बॉल, कब से बॉल ऐसे लेके बैठा है, इसके पास से ना कोई लेने वाला है बॉल, छीन के छोड़ ही नहीं रहा है बॉल को वो। चलो छोड़ो, गिरेगा पड़ेगा उठेगा और चलेगा। जाओ चलो, हाँ जाओ जाओ।
हाँ ये देखो बच्चों बच्चों को देख के ना आवाज बहुत अच्छा लगा था ये। चलो ढकू ये। ये देखे शूज ऐसे इसके नीचे लाइट लगती है पैर में चलने के बाद। इज़ान तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है नहीं मुझे गोद में ही घूमना है तुम लोग के। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो चलो आ जाओ छोड़ो उसको छोड़ो तुम। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ चलो बाय इज़ान बाय ऐसे बोले ना तो आता है वो बाय। ये देखिए इज़ान अभी चलते आएगा ना पूरी शाम हो जाएंगी वहाँ तक, इसीलिए फरा को ही मुझे बोलना पड़ेगा। फरा पूरी शाम करेंगे वो, चलो लेके आ जाओ उसको जल्दी से। ये देखो सब स्टार्ट हो गए वहाँ पे, चलो आ जाओ जल्दी से। और चलो ये चलते हैं अभी, देखिए वहाँ पे सभी स्टार्ट हो गए हैं। हम गए थे इससे पहले, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमने सोचा तब तक चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो अभी हाँ हो गया, आ जाओ किसके आपके हाँ। अरे अल्लाह कल ही नए शूज़ लिए थे, वो बोले शूज़ काट रहे हैं मुझे साइड से ऐसे कट है ना वो, तो आई थिंक वो फरा को ना चुभ रहे हैं बच्चों के लिए अच्छा है ये, बड़ों के लिए तो पकड़ जल्दी से पकड़ लेते हैं ना क्या हाँ तो फिर से मैं बैठ गई हूँ ये वाली राइड में, और इस बार मैंने समीर को भी जबरदस्ती बिठाई। तो ये है समीर और इज़ान, इज़ान भी है साथ में। तो अभी इस पे बैठना है मुझे, मैं पहले समीर को बोल रही हूँ कि वो पहले बैठे इसमें, उसके बाद मैं बैठती हूँ, लेकिन वो नहीं बैठ रहे बिकॉज मैंने उनको इसमें बिठाया था ना, सो उनका सर घूम रहा है, तो उन्होंने बोले कि पहले आप बैठो फिर मैं बैठूंगा। फाइनली मैंने फरा को भेज दिया इस पर, क्योंकि मुझे तो नहीं जमने वाला है। वो पैर है ना नीचे फरा साइड मेरे को पैर रखने का है ओ भैया नहीं नहीं रुकी ये देख मम्मा देख उसके सीट पे नहीं रुकी मैं देखिए फरा भी इसमें बैठ रहे हैं उनके साथ में। अच्छा हो गया फरा को जोड़ीदार मिल गया। क्या हुआ देखो बॉल देख के ये कर रहे हैं हाँ ये देख ये देख ये देख आ रहा है क्या मजा और जोर से करो और जोर से करो भैया इनको मजा आएगा इनको इनको थ्री सिक्सटी डिग्री घूम रहा है ये तो पूरा ओ मजा आ गया। ये देखिए नाइट का व्यू कैसे लग रहा है, अभी कितने बज रहे हैं 7:30 हो गए हैं। इज़ान को भी नींद आई है तो फरा उसको खाट पे गए हैं सुलाने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी, वाह क्लाइमेट तो आज सुबह से बारिश है। फरा का तो मन है रुकने का, बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने सब घूम लिया फिर रुकते क्यों, अपन चले जाएंगे, क्योंकि वैसे रुकने के हिसाब से तो हम कुछ लाए थे नहीं, इसीलिए देखते हैं। फिर भी बारिश अगर बहुत ज़ोर आता है कभी नहीं होता है पॉसिबल तो रुकना पड़ेगा ही। अंदर भी लाइट लगी है एक बार जाते हैं ये होने दो। अभी हमारा इज़ान सो गया है, वो अभी बहुत थक गया था तो ये देखिए अभी सो गया है, और अभी थोड़ी देर में ये सब क्लोज हो जाएगा 8 बजे क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, लाइट्स रहती है इनको लग रहा है कि यहाँ का नहीं अभी वहाँ का भी है ना। वैसे तो टाइमिंग 8 बजे का है,
अभी 7:45 हुए हैं, थोड़ी देर में सभी क्लोज होंगे। लाइट रहती है सर, मैं बस मजाक कर रहा था पता है मुझे, क्योंकि लोग बहुत सारे स्टे करने आते हैं तो वो बाहर घूमते हैं करते हैं ना, तो उनके लिए क्यों थोड़ी लाइट बंद करेंगे। तो अभी हम भी जाते हैं, थोड़ी देर में डिनर भी है, और डिनर भी जो है वो टिकट में इंक्लूड है, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करने का नहीं है, वो हम बता देंगे कि क्या क्या है खाने में, है ना। टिकट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। ये देखो मेरा ईजान कैसे सो गया है, इतना खुश हो रहा था ना ये बॉल्स देख के, और एक बॉल तो वो हाथ से छोड़ ही नहीं रहा था, कंटिन्यूसली पकड़ के चल रहा था ना उसको बॉल पूरा पूरा, जहाँ जहाँ हमने घूमे ना उसने बॉल अपने हाथ में पकड़ा, बाद में से वो हवा से चला गया, तब उसने उसमें से ध्यान हटा दिया, पता है क्या। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना समय नाइट में, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का लुक, बहुत ऑसम प्लेस है सच में समय। आप तो बोल ही नहीं रहे हो मैंने इतने मेहनत से ये प्लेस ढूंढी हूँ। नहीं नहीं सच में बहुत थैंक यू सो मच वाला, इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए और इतनी अच्छी प्लेस में, मैंने वीडियो में पहले ही बोला था आपके लिए, मैंने एक सरप्राइज करने बोली थी उनको। रुको इधर, ये सिर्फ आपके लिए, मैंने बोली थी खास मेरे को ग्रीन और पर्पल कलर की लाइटिंग चाहिए, उसका झाड़ समीर के लिए, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। लेके नहीं जा सकते लेकिन घर पे तो ये नाइट पे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ और यहाँ से लाइट का फोकस अच्छा आ रहा है, और मेरा ये आज का कलर ना बहुत प्यारा लग रहा है ना, मुझे ऐसे मेरे अम्मी ने बोले जब मैंने उनको वीडियो कॉल की, तो बोले बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर, बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं सच में आज फरा बहुत प्यारे लग रहे हो, किसी ने ऐसे बोला फरा क्योंकि बर्थडे है समीर का, बट नूर आया है फरा। किसी ने क्यों क्यों शर्म रहे नाम बोलने, बोलो ना किसने बोला। अम्मी ने ही बोले, बस बोले समीर का बर्थडे लेकिन नूर तो तेको ही आया है पूरा। क्योंकि वो समीर की वाइफ है ना, इसलिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है आज, और तो बहुत अच्छा गिफ्ट अभी दिया मुझे। ये मतलब क्या बोल सकते समीर, दिन तो ढल गया है हमारा भी और अपना एंजॉयमेंट भी हो गया है, अभी आप मेरे को बताओ कि कैसा लगा आपको। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैंने पहले ही बोला था फरा ने अगर कोई प्लेस चूज किए तो वो बहुत अच्छी होंगी, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। बस रास्ते में थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये ओपन ही 4 बजे अच्छा होता है। बहुत जल्दी भी आते थे तो हम क्या करते थे बोलो। नहीं सर सच में बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच अगेन कि इतना अच्छा गिफ्ट देखिए, ये जो आज कपड़े पहना हूँ मैं, जीन्स शर्ट बैक पे बताओ, ये फरा की ही चॉइस है, तो थैंक यू सो मच फरा इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू। तो चलो अभी डिनर करते हैं, कब होगा स्टार्ट क्या पता, तब तक थोड़े रील्स बनाते हैं। ये देखिए गाइस स्टे के लिए इतना अच्छा है, ये सामने पूरे रूम्स है और उसके सामने ही सीधा ये स्विमिंग पूल आपको मिलेगा, कितना अच्छा है ना, ऊपर है नीचे है। तो ये जो फर्स्ट वाला है हमने ये वाला अभी देखा है, देखते हैं। ईजान वैसे भी सो गया है ना, हाँ कि अगर आप स्टे करते हैं ना तो आपको यहाँ पे ऐसे बैठ के सामने इतना अच्छा नज़ारा कुछ भी नहीं है, बस स्विमिंग पूल है और सामने जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं ना, जो रूम है वो ही देख सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, और अगर जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं। हम तो अभी डिसाइड किए कि हमें रुकना नहीं है, हम खाना खाएंगे और चले जाएंगे। अभी ईजान सोया है, फरा उसी को सुला रहे हैं थोड़ा, उसकी नींद हो, क्योंकि 8:30 को डिनर है, वो होने के बाद हम निकलते हैं। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसे मस्त लग रहा है, देखिए कुछ लोग स्टे भी किए हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा बच्चा अभी उठ गया है, ईजान चलो पकड़ो, हाथ पकड़ो ईजान, ओह गिरेगा फिर लगेगा उसको, क्यों ऐसे आएगा वो बाहर, ये देखो बाहर भी आने की कोशिश। सो चलिए अभी मैं आप लोगों को कराती हूँ ये होम टूर बोल रही हूँ मैं, सॉरी रूम टूर, यहाँ का रूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, रूम बेड भी अच्छी है ना समीर, नरम है क्या, देखो बाउंस होती है क्या होती है ना। और साथ ही में यहाँ पे टीवी वगैरह सब है, और ये बच्चा मेरा, और ये रूम से ये व्यू है देखना,
तो चलिए अभी मैं आपको खाना दिखाता हूँ डिनर में क्या क्या है। गुलाब जामुन, दाल तड़का और स्टीम राइस। इसमें क्या है, रोटी। और ये देखिए, हाँ हाँ नहीं नहीं काम करता हूँ मैं, ईजान को लेता हूँ। पनीर मखनी सब्जी, ये तो हो गया वेज। चले अभी आपको नॉन वेज बताता हूँ मैं। ये देखिए नॉन वेज में है चिकन, क्या बोले, चंगेजी। नहीं नहीं चाबी देता हूँ मैं, चिकन टिक्का है। अच्छा तो ये मैंने लेकर आया हूँ मेरे लिए डिनर। हाँ और गाइज आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो डिनर है वो इवनिंग वाले पैकेज में आता है, और जो डे वाला पैकेज है उसमें आपको ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट में मुझे पता नहीं क्या है, वहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन लंच में, सॉरी डिनर में देखिए, ब्रेकफास्ट नहीं लंच ना, मॉर्निंग वाले लंच तो आता है। जो स्टे करते हैं उनको ब्रेकफास्ट। हाँ तो ये और बाकी के बहुत सारे, और जो बाकी के हैं ना ये अभी बहुत सारे लोग स्टे के ही है, अभी हमें ही खा के निकलना पड़ेगा। तो चलिए डिनर करते हैं। अच्छा लगा मुझे, पैसा वसूल बोलते हैं ना, पैसा वसूल रिसोर्ट है। उनके खाना तो भी बहुत अच्छा है, वेज नॉन वेज दोनों है। सो घर पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 10:15 बजे हम आ गए घर पे। और सच में गाइस बहुत एंजॉयमेंट हुआ, बहुत मजा आया, बहुत 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 अच्छा डे बना है ना समीर। तो आपका बर्थडे खत्म होने वाला है, अभी सिर्फ एक घंटा बाकी है। उसके पहले और कोई विश है समीर आपकी? मेरी नहीं पता। खाना भी था, खाना भी भरपूर खा लिया, पेट भी फुल हो गया है, अभी बस सोना है, आराम करना है। घर में थोड़े से बर्तन हैं, वो धो दूंगी बस और सो जाना है। तो और एक बात, आज का जो मेरा मेकअप है वो बिल्कुल भी उतरा नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वो फाउंडेशन, जो भी चीज़ें मैंने ली हो ना, बहुत अच्छा है, उसका रिव्यू ज़रूर दूंगी मैं आप लोगों को। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।